मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता इन दिनों अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अधिकांश नेता अपनी फिटनेस सही करने में लगे हुए हैं। कोई जॉगिंग कर रहा है तो कोई साइकिलिंग कर रहा है। कांग्रेस नेता पार्क में योग और कसरत करते भी दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। यात्रा में राहुल के साथ कदम ताल करने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश समन्वयक पीसी शर्मा ने बताया कि वे पिछले एक महीने से तेज गति से चलने का अभ्यास कर रहे हैं। यात्रा में शामिल होने के लिए उन्होंने पहली बार जूते भी खरीदे हैं, क्योंकि उन्हें अब तक केवल चप्पल पहनने की ही आदत थी। 66 वर्षीय कांग्रेस विधायक ने कहा, मैं केवल चप्पल ही पहनता हूँ, मैंने कभी जूते नहीं पहने हैं, लेकिन राहुल के कदमों के साथ तालमेल बैठाने के जूते खरीदने पड़े हैं। प्रैक्टिस के तौर पर रोजाना तेज गति से 5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल रहा हूं। पीसी शर्मा हैदराबाद और बिल्लारी में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल भी हो चुके हैं। उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि राहुल गांधी की स्पीड का मुकाबला करना कठिन है। शर्मा ने बताया कि उनका वजन 87 किलोग्राम है और अपने नेता के साथ चलने के लिए वह थोड़ा वजन घटाना चाहते हैं। इसके लिए वह प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और जॉगिंग भी करते हैं। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां कर रहे हैं। युवा कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष विवेक त्रिपाठी ने बताया कि वे अमूमन हर रोज 5 किलोमीटर वॉक करते थे, लेकिन अब 12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, साथ ही साइकिलिंग भी कर रहे हैं। त्रिपाठी ने बताया कि उन्होंने जंक फूड खाना और चाय पीना भी छोड़ दिया है। वो मोनू भाई कह रहे 10 मिनट में लगा रहा हूँ, अभी तैयार नहीं।